गाइस वेलकम टू माय चैनल अंकिता ऑफ ब्लॉग मादम। क्या आलू को पानी भी डाल, पानी में भी डालना है? पानी में नहीं डालना बेटा, ये बॉयल्ड आलू है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पापड़। इसके लिए मैंने ये बॉयल्ड आलू ले लिया है, इसका छिलका मैंने निकाल लिया है। मैं पहले सोच नहीं रही थी वीडियो शूट करूं, मैंने सोचा चलो ठीक है मैं आप लोग को फिर से बता दियो। और ये भी मैं पहली बार बना रही हूँ। क्या बोलो ना, वो आंटी का था बेटा। और इससे मैं ग्रेट करूंगी, इसे हल्दी ग्रेट किया हुआ था तो इसलिए थोड़ा पीला पीला लग रहा है, आपको दिख रहा होगा कैमरे में। ये हमारा है बेटा। और इसी से मम्मा ऐसे ना रख के और ऐसे से ग्रेट करेगी जिससे कि स्मूथ होगा। नहीं बेटा, हाथ कट जाएगा बेटा, आप छोटू सा बेबी हो ना, जल्दी से हो जाएगा। हाँ बेटा, क्या ये इसी में रहेगा बेटा? क्यों? क्योंकि मम्मा इसका अभी बनाएगी पापड़, इसीलिए आज बनाएगी। हाँ, ये देखिए कि कैसे ऐसे गिर गया। और कि इसमें लम्स नहीं बनेगा, आराम से ना इसका पापड़ बनेगा। तो मैंने अभी मोटा वाला साइड से ग्रेट किया तो मुझे ज्यादा ही मोटा लग रहा था, अभी मैं पतले वाले साइड से कर दे रही हूँ। और फिर इसको अच्छे से गूथेंगे। तो ऐसे करके सारे आलू को मैं घिस लूंगी। और ये करीब 3 केजी के, हाँ करीब आलू होगा 2.5 से 3 केजी, मैंने मेजर नहीं किया है। मैं 5 केजी लेके आई थी ना, तो उसमें से इतना आलू मैंने निकाल लिया है। मैंने पहले सोचा नहीं था मैं बनाऊंगी, फिर मेरे नेबर ने एक बनाया तो उन्होंने बोला कि बना लो, उन्होंने खिलाया मुझे तो काफी टेस्टी लगा मुझे। तो मैं सोच रही थी कि मैं भी अपने बेटू के लिए बनाऊं, क्योंकि इसको भी टेस्टी लगा था। बच्चा अच्छा लगा था बेटा आपको? आंटी वाला पापड़? हाँ, तो मम्मा तीखा नहीं डालेगी क्योंकि इसके लिए मैं बनाती हूँ। तो अभी जितने भी चीजें मैंने बनाया है आप लोगों ने देखा होगा, तो जो मुझे तीखा खाने का मन रहता है अब मैं सिर्फ उसमें मिर्ची डाल लेती हूँ और बाकी में इसके लिए मैं छोड़ देती हूँ। तो इसमें सब बिना मिर्च का ही मैं बनाने वाली हूँ। हाँ बेटा, आंटी का ना तीखा बनता है। हाँ बेटा, आंटी तीखा डाली थी ना, अकुल भैया तीखा खाता है इसीलिए। मुझे तीखा पसंद नहीं आंटी वाला पापड़ वाला। बेटा मम्मा नहीं डालेगी, उसमें आंटी डाली थी। हाँ उसमें आंटी डाली थी, मम्मा नहीं डालेगी बेटा। आंटी मेरे लिए क्यों डाली थी? आपके लिए नहीं डाली थी बेटा, तो आंटी आपके लिए नहीं बनाएगी, आंटी तो अकुल भैया के लिए बनाएगी ना। अकुल भैया खाता है इसलिए आंटी डाली थी बेटा, मम्मा नहीं डालेगी। ठीक है, आप मत डालना। आप डालोगे तो मिर्ची लग जाएगा, फिर कान से तीखापन आ जाएगा। कहाँ कान से तीखापन आ जाएगा जी? कान से। ऐसा भी होता है? किसने बोला आपको ये? मैं खुद से सीखा। खुद से कहाँ से सीख लेते हो? ये अब बहुत सारी चीजें बोलते हैं, मैं खुद से ही सीखा है बेटा। मैं पानी पीने जाओ जाओ। अभी मैंने सारा आलू को ना देखिए ग्रेट कर लिया है, अच्छे से मिक्स करना है ऐसे हाथ से, स्मूथ पेस्ट जब तक ना बन जाए। कर लिया इसके ना ना आँख में चार में कलर कर लिया। कर लिया? हाँ ठीक है। इसमें डालेंगे मंगरेला अजवाइन, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। मैं तो ढेर सारा डालती हूँ, मुझे पसंद है। हल्दी भी इसमें जाएगा कलर के लिए, सुंदर सा कलर आएगा। और इसमें अब हम डालेंगे जीरा, तो जीरा भी मैं ज्यादा ही डालूंगी, इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। और अब डालेंगे हींग। मम्मा बीच में ये हींग का पाउडर है ना, जो मैंने घर पे बनाया हुआ है, कंपाउंड हींग से ना आता है, कंपाउंड हींग उसी से। तो हींग का भी टेस्ट पापड़ में तो काफी अच्छा लगेगा। बस अब सबको मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से। क्या हुआ बेटा? हींग है? हींग की स्मेल आ रही है आपको? अच्छा बेटा कोई नहीं, हींग तो अच्छा होता है। तीखा छोटे बच्चों को तीखा लगता है हींग? नहीं बेटू, हींग तीखा थोड़ा होता है। तो इसमें हरा मिर्च या लाल मिर्च आप डाल सकते हैं, धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं हरा वाला। मैं ये सब नहीं मिला रही हूँ, सिंपल ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा बेटा भी खा सके। हींग तो मैंने डाला है कि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है ना, पापड़ खाओ ये सब तो थोड़ा हींग रहता है तो अच्छा रहता है पेट के लिए। हींग बेटा पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें डालेंगे नमक।
बेबी नहीं बेटा, आप इसमें नहीं, इसमें आप मत डालो बेटा। अरे ठीक है डालो, और डालो, और डालता, और चाहिए डालो, और और डालो, इतना सारा डालना इसमें हमें। और अभी रुक जाओ, अभी मिक्स करके देखने दो मम्मा को। नहीं मिक्स हो रहा, हो रहा है बेटा। हाथ धो लेती हूँ और फिर तेल लगा के ना इस मिक्सचर को रेडी करेंगे और पापड़ बनाएंगे इसका। तो मेरा मिक्सचर देखिए अब रेडी हो गया है और अब मैंने प्लास्टिक शीट रेडी कर लिया है, इस पर ऑयलिंग कर लिया है। ये देखिए सरसों तेल ना मैंने अच्छे से लगा लिया है सारे प्लास्टिक पे, और एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ले लिया है जिसके ऊपर भी मैंने ये लगा लिया है एक ऑयल का लेयर पतला सा। मेरे हाथ में भी ऑयल है, मैंने डब्बा भी फिलहाल रखा हुआ है जरूरत के हिसाब से लेने के लिए। थोड़ा सा और ले लेते हैं, नहीं तो क्या हुआ कि ये चिपकेगा हाथ में। अब क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे। मुझे भी गोले बनाएंगे। नहीं बेटा बहुत चिपकता है। क्यों? स्टिकी है बेटा, इसीलिए बहुत स्टिकी है ये। तो इस कटोरी में ना मैं तेल निकाल लेती हूँ, तो हाथ से लगाने के भी काम क्या बड़े लोग बिस्किट खाते हैं। है बेटा बड़े लोग भी खाते हैं। मैं बड़ा हो गया। अब बड़े हो गए हो? हाँ। अब तो बड़े हो गए हो। ये देखिए ये एक लाइन हो गया है रेडी। चलिए तो इसको अब हम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। मेरा प्लास्टिक शीट भी रेडी हो गया है, देखिए इसको ऐसे ढक दिया मैंने, है ना, और अब प्रेस करना है। इस कटोरी से मैं प्रेस करूंगी जिसमें मेरा तेल है। बहुत पतला पापड़ नहीं बना रही हूँ क्योंकि पतला पापड़ बनाते हैं ना तो तेल में जाके जलता भी बहुत जल्दी है, तो इसलिए थोड़ा मोटा मोटा और खाने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए अब अच्छे से निकल भी रहा है पूरा शीट ना। तो ये देखिए मेरा पापड़ बनके हो गया है तैयार। जब मैं पापड़ बना रही थी ना मैंने वीडियो शूट नहीं किया, एक्चुअली मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरा बेटा यार बहुत परेशान कर रहा था, वो बार बार फ़ोन निकाल रहा था। देखिए मेरा फ़ैन भी चल रहा है क्योंकि धूप में अच्छे से सूख नहीं पाया, तो इसलिए मैं ना वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि ना बनाने दे रहा था पापड़ और ना ही वीडियो शूट करने दे रहा था, ऊपर से पूरा हाथ पैर भी सब गंदा कर लिया। तो देखिए मैंने ये छोटा छोटा ही पापड़ बनाया है, ये देखिए ये दोनों एक दूसरे में सटा हुआ है। तो इतना छोटा पापड़ होता है जो स्टोरेज में भी अच्छा होता है स्टोर करने में एंड आपको खाने में भी सही लगता है। तो ये चिप्स के साइज जितना मुझे लग रहा है कि पापड़ मैंने बना लिया है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी बन गया है। देखिए एक साथ है ना मिला हुआ, देखिए इतना सारा है और जब इकट्ठा करते हैं तो अच्छा खासा हो जाता है। तो हमारे लिए तो सफिशिएंट हो गया ये पापड़, और धूप में नहीं सूखा था पूरी तरह तो मैंने पंखा में चला के सुखाने के लिए रख दिया है। अभी फिर से देखिए ड्राई हो गया है, आवाज़ भी सुन रहे होंगे आप इसकी। तो कल फिर से मैं धूप लगा दूंगी एक बार ना तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो अभी फ्राई करके देखेंगे कि कैसा बना है पापड़ टेस्ट वाइज। तो मेरा देखिए चिप्स नहीं, मेरा पापड़ सूख गया है और देखिए मैंने डब्बे में भर लिया तो इतना ही हुआ है, देखने में से ज़्यादा लग रहा था बट इसमें कम हो गया है। और अब है आज फ्राई करने की बारी, तो तेल गरम करते हैं और फिर फ्राई करते हैं। तो मेरा तेल गरम हो गया है, देखिए अब हम डालते हैं। ये सब ना जल्दी से लाल भी हो जाता है पापड़, मतलब येलो नहीं रहता। बन गया, ट्राई हो गया। तो ये देखिए पापड़ फंस ही जाता है। चलिए तो आप टेस्ट करते हैं कैसा है, गर्म में जा रही है पापड़। इसमें अच्छा लग रहा है मेरे को, पता नहीं इनको कैसा लगेगा, आप खा के देखिए। बहुत गर्म है, क्रंची एकदम है। तो पापड़ भी क्रंची रहेगा। अच्छा है काफी। स्वाद लग रहा है? बहुत अच्छा। ज़्यादा लग रहा है? सॉल्ट थोड़ा सा, अजवाइन सही है।
सॉल्ट तो यार थोड़ा ज्यादा लगता है तभी सही लगता है, कम खाओ ना हो जाएगा। चलिए तो आज का वीडियो हम यही तक रखते हैं, अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। आई होप कि हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।